सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी ट्रिपल तलाक मुद्दे पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह जैसी भावनात्मक प्रथाओं पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत। 11 मई से शुरू होगी सुनवाई। मीट कारोबारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद खत्म की हड़ताल। आज से खुलेंगी राज्य भर में मीट की दुकानें। संसद से पास हुआ वित्त विधेयक, लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों को किया खारिज। चुनाव फंडिंग को और पारदर्शी बनाने के लिए वित्त मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव। देश के 9 राज्यों में मार्च में ही गर्मी ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड। दिल्ली में पारा 7 साल के सबसे रिकॉर्ड तापमान पर पहुंचा। राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में पारा 40 डिग्री के पार। महाराष्ट्र में लू लगने से 5 लोगों की हुई मौत। आम लोगों के लिए हवाई सफर मुमकिन करने वाली उड़ान योजना जल्द होगी शुरू। 128 हवाई मार्गों पर उड़ान भरने के लिए 5 एयरलाइन कंपनियों ने लगाई सफल बोली। 1 घंटे की उड़ान वाले सफर में 50% सीटों का किराया होगा महज 2500 रूपए। जीएसटी कानूनों को अंतिम रूप देने के लिए आज होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीएसटी काउंसिल में ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की जानी मानी 37 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में मुरली मनोहर जोशी, शरद पवार, पीएस संगमा समेत 4 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किए गए। सरकार ने उच्च पदों पर दागी लोगों की नियुक्ति रोकने के लिए उठाया एक अहम कदम। सरकार में उच्च पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लियरेंस की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह उत्सव देश की सबसे बड़ी नदी और पूर्वोत्तर की जीवनदायिनी ब्रह्मपुत्र को नमन करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी दी। इसके तहत महिला कर्मचारियों को वेतन सहित 26 सप्ताह का अवकाश मिलेगा। दिल के मरीजों की एंजियोप्लास्टी में काम आने वाली स्टेंट की ज्यादा कीमतें वसूलने वाले 8 अस्पतालों पर महाराष्ट्र सरकार ने की कार्रवाई। अब चुनाव के दौरान ना तो किसी तरह के एग्जिट पोल जारी किए जा सकेंगे और ना ही कोई भविष्यवाणी की जा सकेगी। चुनाव आयोग ने चुनाव के दरमियान नतीजों को लेकर ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर्स या फिर राजनीतिक पंडित की ओर से भविष्यवाणी करने और अनुमान जताने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने सारथी बाबा के नाम से मशहूर संतोष कुमार राहुल की 11,40,00,000 रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की। सारथी बाबा फिलहाल जेल में है। अमेरिका ने कहा, अब सीरिया में बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना नहीं है उसकी प्राथमिकता। कहा, तुर्की और रूस के साथ राजनीतिक समाधान निकालने पर करेगा काम। इंडिया ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में आज बेहद रोमांचक मुकाबले में स्टार शटलर साइना नेहवाल का मुकाबला पीवी सिंधु के साथ। पुरुष एकल वर्ग में समीर वर्मा भी पहुंचे क्वार्टर फाइनल में।